बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट अ न्यू कुकिंग वीडियो। सो यस, आज मैं बना रही हूँ एक मज़े की खिचड़ी। सो आई एम शेयरिंग दिस रेसिपी विद यू। और यस, सबसे पहले हमने अनियंस फ्राई करने हैं और उस टाइम तक फ्राई करने हैं जब तक ये थोड़े गोल्डन ना हो जाएं, ठीक है। और इट्स नॉट दैट रेसिपी जो आप कह सकें कि बीमारों के लिए हो, नो। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप जब फॉलो करेंगे, खिचड़ी इज़ अ फुल मील। सो इसको आप सब खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई बीमार लोग खाएं। और ये वाली रेसिपी तो बिल्कुल बीमार लोगों वाली नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़े कम स्पाइसेस यूज़ करूं। सो यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और अनियंस को आप थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा सो दैट कि उसका टेस्ट अच्छा आए। जब आप अनियंस का कलर डार्क करते हैं तो फ्लेवर इन्हांस होता है। सो यस, इस टाइम पर मैंने यहाँ पे टमाटोज ऐड कर दिए थे और उसके बाद गरम मसाला ऐड कर लें, ठीक है। आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा, सिर्फ 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड किया था, जस्ट टू इन्हांस दी फ्लेवर कि खिचड़ी जो है वो सिर्फ बीमारों का खाना नहीं है, हम सब खिचड़ी खा सकते हैं, इट्स अ फुल मील। सो यस, उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया था मैंने। इस स्टेज पर मैंने नमक नहीं ऐड किया था बिकॉज़ मुझे लेटर ऑन यहाँ पे चिकन क्यूब भी ऐड करना है। सो बाद में मैंने नमक एडजस्ट कर लेना है। सो इस टाइम पे मैंने थोड़ा कम नमक ऐड किया और साथ में पानी ऐड कर लिया। मैं 1.5 गिलास बना रही थी राइस, 1.5 ग्लास। सो इस टाइम पर मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए। जैसे कि मैंने कहा, ये टिपिकल खिचड़ी रेसिपी नहीं है, सो आप इसको फॉलो करें। यस, चिकन क्यूब और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी, जो कि अभी आपको नज़र भी आ रही होंगे। और इस टाइम पे मैंने राइस ऐड कर दिए थे इसमें। एंड नाउ अनदर ट्विस्ट, आई एम एडिंग दाल चना इन इट, ठीक है। सो इट्स अ फुल मील। देखें, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड हो गई, राइस भी ऐड हो गए, दाल भी, लेंटल, सब कुछ ऐड हो गया एंड इट्स अ फुल मील। सो आप सब खा सकते हैं इसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तो आप खिचड़ी बनाएं। सो यस, आप इसमें रेड चिली कम रख सकते हैं अगर आप किसी बीमार के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कोई पेशेंट है आपके घर में, सो यस, आपको कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी यमी खिचड़ी बनने वाली है। सो यस, दिस इज़ द फाइनल लुक दम के बाद। और अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैंने इसको दम दिया था। और यस, मीनवाइल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियोस, शेयर इट विद योर लव वंस एंड शेयर दिस यमी रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। पीस आउट एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।